हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम मिश्र अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपसे बच्चों के जो कैटेगरीज इंटेलिजेंट होने की बात की है उसमें मैंने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल इंटेलिजेंट होने की आपसे और उनके सिम्टम्स के बारे में आपसे बात की है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होने की निशानियाँ ही कुछ अलग होती हैं, क्योंकि जो है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना ही बहुत स्पेशल होता है अपने आप में। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है उनको, दो बच्चों को जब आप खाने को कुछ देती हैं कहीं पे भी थाली में परोसती हैं, तो आपका एक बच्चा अगर ऐसा कहता है कि उसकी थाली में ये चीज़ ज़्यादा क्यों है और मेरी थाली में कम क्यों है, या फिर वो खाना खाकर भी दूसरे की थाली को ही देखता रहता है कि उसमें से भी मुझे कुछ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसे उसकी गंदी आदत मत समझिए, इस गंदी आदत को आपको जो है अच्छी जो है अवसर में बदलना है, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी में बदलना है इस आदत को उसकी। होने को थोड़ा बहुत ठीक है, ऑकवर्ड से आदत है, बट ये एक सिम्टम है, बहुत अच्छा सिम्टम कि आपका बच्चा जो है फाइनेंशियली बहुत जो है इंटेलिजेंट बन सकता है आगे जाके, और फाइनेंस में उसका हाथ जो है उसको आजमाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे को जो है जब आप शॉप में जाती हैं तो जो है आप उसकी आदतें कैसे डाल सकती हैं। शॉप में जाती हैं तो उसको बोलिए कि कैलकुलेशन करें, शॉप में जाती हैं तो उसको बोलिए कि चीज़ों को काउंट करें कि भैया के लिए कितना लिया है या दीदी के लिए कितना लिया है और अपने लिए कितना लेना है, तो वो उस हिसाब से जो है काउंट करना सीख जाएगा। साथ ही अगर पैसे का छोटा मोटा लेन देन जो होता है, 5 रुपये 10 रुपये या फिर किसी चीज़ में दूध वाला आपके घर में पैसे लेने आता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इतने दिन का जो है मुझे बताओ कि इतने के हिसाब से कितना होगा। तो आपका बच्चा देखिए ज़रूर बताएगा, क्योंकि वो चीज़ उसके ब्लड में ऑलरेडी है, वो बचपन से ही उस चीज़ के लिए ही बना है, वो एक बहुत ही फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बच्चा है, ये आप मान कर चलिए। तो आप उसको इस तरह के ही किसी क्षेत्र में जान डालने की कोशिश कीजिए उसका है वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने बच्चे की आदत को गंदा गंदा कहकर उसे बदनाम मत कीजिए, उस आदत का जो है इसको कहते हैं टू मेक बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट, तो आपको यही करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।